infinity and back again. And to them, young God and attack. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस साइड साक्षी धिंजल और मैं हूँ पोखरा उत्तराखंड में. जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं कल यहाँ आ चुकी थी. अगर आपने मेरा व्लॉग मिस करा है तो जाके ज़रूर देखो. प्लस आप यहाँ का नज़ारा देख सके हो. इस जगह की ब्यूटी कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है ना. सो मैं रुकी हूँ बर्ड सॉन्ग एंड बियॉन्ड के साथ. एंड आई एम गोना शो यू टुडे वेयर द प्लेस आई एम स्टेइंग एंड एवरीथिंग अबाउट दिस प्लेस अराउंड. हो गया. So, चेक करो. दैट्स द व्यू, दैट्स द कॉमन एरिया वहाँ पे. और आई शो यू द कॉमन एरिया. वहाँ किचन है. पहले मैं आपको नीचे लेके चलती हूँ. सो ये ऊपर का रूम है एंड दिस इज़ अ ट्विन बेडरूम. और ये अटैच है आपका और विद ऑब्वियसली द ब्यूटीफुल व्यू वॉशरूम के साथ. एंड यू नो वट, तो यहाँ पे हीटर भी है. सो मतलब तुम कोशिश देखोगे कि यहाँ पे पंखे वंखे नहीं है. इसका मतलब लिटरली यहाँ पे मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती पंखों की. एंड दीज आर द बुक्स, मतलब पूरे यहाँ पे आपको बुक्स मिलेगी. टेबल टू कीप द मटेरियल, सैनिटाइजर एंड ऑल नेसेसिटीज़. मतलब बहुत सही जगह है. अगर मैं नीचे की तरफ जाती हूँ तो आई टेक यू टू माई रूम जिसमें मैं रुकी हूँ. ठीक है. सो नीचे कॉमन वॉशरूम है. सो कमिंग टू द बुक्स, पहले तो वॉशरूम बाद में बताऊँगी, पहले बुक्स. सो दीज आर दी बुक्स. मतलब इफ़ यू आर लाइक बुक रीडर एंड यू नो पीस लवर काइंड ऑफ पर्सन, सो दीज आर ऑल दी बुक्स. एंड दैट्स माई रूम एक्चुअली. सो मैंने अभी थोड़ा सामान बिखेर दिया है. बेड भी बिखेरा हुआ है सारा का सारा. एंड दैट्स द व्यू. Isn't it marvelous? मतलब you know, you can read inside, you can relax, and even you can यहाँ पर cap रखिए, you can wear this cap and get the pictures clicked, and यहाँ पर like towels अपना सामान रख सकते हो आप सारा का सारा. There is a fan, and that's Madhubani art. So it's like beautiful, right? मतलब मुझे तो अच्छा लगा. आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ. सो दैट्स अ कॉमन लाइक किचन एंड एरिया. इफ यू नीड समथिंग, इट्स हियर इज अ वाटर एंड हियर इज मी. हेलो, लेट्स गो टू द अदर रूम. लड़के ने अपना रूम समेटा हुआ है शूट के चक्कर में. ऐसा लग रहा है इन्होंने रूम छेड़ा ही नहीं है. ऐसा लग रहा है लड़के यहाँ सोया ही नहीं. सो दैट्स द व्यू राइट नाउ. Isn't it beautiful? Oh, look, already jaag ke baith gaya. Theek hai. So let's go out. And let's go out. And that's the canvas painting. And I'll show you the washroom now. Because I promised you for the washroom as well. So that's the common washroom niche. Yo, with the geezer. रूम तो समेटा हुआ है पूरा का पूरा. तुम ऐसा लग रहा तुम अपने रूम में सोए नहीं. नहीं सोया हूं भाई, मैं अपने रूम में सोया. मतलब तुमने अपना सामान सारा समेट दिया. यस. मतलब तो ये मतलब ये रात को पता गाइस इसी कपड़ों में आया था. इसने अटैच भी नहीं खोली अभी तक. इसने टॉवल वोवल भी नहीं छेड़ा. देखो चेक करो ये लड़के ने मुंह किससे साफ कर रहे हो तुम. हे भगवान, लड़के वाले काम. मतलब जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं. सो लेट्स मूव टू द किचन राइट. एंड यू नो अगर रूम का व्यू लेना तो दिस इज़ ऑल्सो द व्यू. लाइक अभी तो बहुत धूप है बट अंदर है. एंड लेट्स मूव टू द किचन. दिस इज़ द एरिया. यहाँ पे सारा मतलब ऑर्गेनिक ग्रोथ है ट्रीज का. सो आई विल टेल यू अबाउट द ट्रीज, छोटे छोटे नो ट्रीज प्लांट्स के बारे में बाद में. बट दिस इज़ द कॉमन एरिया गाइस. इज़न्ट इट्स अमेजिंग. हेलो, बन गया? बस बन गया. बस बन गया. दी ने आज बनाया है पास्ता. एंड इट्स नॉट पास्ता, इट्स मैक्रोनी. पास्ता कह रही हूँ मैं. तो दी ने आज मैक्रोनी बनाई है. हम टेस्ट करके बताएंगे कैसी बनी है दी. एंड एक ये वाली जगह भी है. सो इफ़ यू कम बैक
तो यहाँ से भी आपको व्यू दिखेगा इतना प्यारा। सो यू नो मतलब पोखरा मेरा फर्स्ट टाइम है, पोखरी मेरा फर्स्ट टाइम है। लुक एट द रोसेस, सी लुक एट द रोसेस, लेट्स गो बैक एंड जस्ट गेट रेडी फॉर द डे। वैसे आर प्लानिंग टू डू अ रील हेयर इस एरिया में, और ये हम छाता खोलेंगे तो जब रील करेंगे। सो गोविंद तुम्हें यहाँ आके कैसा फील हो रहा है, गर्मी या ठंडी दोनों कुछ नहीं, मगर मौसम कैसा लग रहा है? मौसम बहुत अच्छा है, मैं करना चाहता हूँ एक बार आइए यहाँ देखिए। अच्छा पोखरा में क्या क्या है तुम्हें पता है? चलो तुम यहाँ रह रहे हो, तुम्हें पता है यहाँ क्या क्या है? नहीं, दिस इज समथिंग व्हिच इज सीरियस, आई डोंट नो एक्चुअली। मतलब लोग यहाँ सिर्फ वीकेंड स्पेंड करने आए? और क्या भाई, अच्छा पीसफुल के लिए। चलो गाइस मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे पोखरा में क्या क्या है, जो कि यहाँ से बहुत सारे रास्ते कटते हैं, आप लोगों को बताऊंगी आज वक्त में। जब तक तुम भी होमवर्क कर लो, जब हम पूछेंगे वापस तो। ओके सो गाइस बेसिकली हम लोग कुक कर रहे हैं इस वक्त, हम क्या बना रहे हैं? पुलाव, और इसमें बन रहा है पास्ता, अरे पास्ता नहीं मैक्रोनी। और थोड़ी सी केचप और होती तो ज्यादा बेटर लगता, सो लेट्स जस्ट पुट थोड़ी सी केचप, नॉट नमक। दो मिनट पहले तुम इतने सारे कमियां बता रहे थे। Good. Seriously, don't lie for the camera. I already don't want you to lie for the camera. Okay, क्या कमी है? Tell me now. मतलब क्योंकि कुकर was like you know. कच्चा थोड़ा सा यार. थोड़ा सा कच्चा रह गया. हाँ. हम फिर और 5 मिनट रख सकते थे. तो you must have like checked. कुकर की सीटी नहीं आती. मैं सीटी नहीं थी इस वजह से मैं क्या करती मैं फंस गई. आलू कच्चे हैं. आलू कच्चे हैं. Okay. So guys हम जा रहे हैं दुकान पे. हम जाने कुछ लेने. Yes. हाँ हम लेट हो गए, बैग उठाओ तुम मेरा। ठीक है भैया, हम बैग उठाएंगे, जा रहे हैं हम, बाय। चलो हम आपके पीछे पीछे आइए, हम बनी लें क्योंकि खाना मैंने बनाना है और मैंने नैप लिया था अभी थोड़ा सा, आई फील बेटर। ताला कौन लगाएगा? हाँ मतलब लड़के की तो कुछ ड्यूटी नहीं बनती। बैग उठाओ दीदी। ताला वही है? ताला चाबी तो मेरे पास, ताला वही है ना? नहीं नहीं ये दूसरी तरह का लॉक है पागल, ये वाला लॉक तो दूसरे तरीके का है। अच्छा ठीक है वो लगा ले फिर, ये वाला लगाना वो वाला लगाना दीदी, रहने दो उसको। ठीक है रहने दो आ जाओ बाहर भाई, दीदी लॉक कर रही है तुम्हें। चलो लेट हो रही है हमें, हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ। मैं सो गई थी 2-2.5 घंटा। यू नो यहाँ अगर आप आ रहे हो तो इट्स रियली पीसफुल प्लेस, कम फॉर द पीस एंड मतलब आ जाओ, मैं धीरे धीरे चल रही हूँ। Okay, तो भैया ने हमारी हेल्प करी पेटीएम में। हाँ बोलो बोलो कुछ बोलना चाहते हो? और बस कैश नहीं था, और यहाँ पे पोखरा में एटीएम जो है वो बहुत जल्दी नहीं बंद हो जाता, कितने बजे बंद हो जाता है? क्या शनिवार और इतवार को कैश मिलना मुश्किल है? शनिवार और इतवार को कैश मिलना मुश्किल है, एटीएम बंद हो जाता है? अरे 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 सारे ही चेक कर लो तुम तो। गोविंद शॉपिंग कर रहा है प्याज और टमाटर की, एक्स्ट्रा ले लो, एक काम करो टमाटर और प्याज एक्स्ट्रा ले लो, 2 टमाटर और 2 प्याज एक्स्ट्रा ले लो, क्योंकि कल तुम पोहा खाओगे तो पोहे में भी डलेंगे, तो लेना है तो ले लो। और एक टमाटर और ले लो पोहे के लिए, कल भैया को पूछ लो कितने और देने हैं।
तो दैट्स द मार्केट यहाँ की. इट्स अ वेरी लाइक नॉर्मल मार्केट्स में से एक. डिनर पनीर, आई एम मेकिंग पनीर की सब्जी. पनीर भुर्जी तो नहीं है बट पनीर है, बहुत सारा बटर के साथ. एंड दिस इज गोइंग टू बी इनसाइड. ओ हिला दिया. तुम प्लीज इसका पानी निकाल दो. ठीक है, ये पानी निकालने के लिए तुम्हारे काम आएगा. वो कहाँ गया? इसे तुम ऐसे ही निकाल लोगे, ये इसमें निकाल लो, कोई बात नहीं. बड़ा वाला ले लो, छोटा वाला पीछे है. ये छोटा वाला वैसे बहुत बड़ा हो गया, छोटा बोरा आधी हो चुकी है. सो वी गॉट द मार्केट से सामान. प्याज थोड़ा सा भुन रहा है. एंड इनके ऊपर टमाटर हो रही है. जल्दी 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 चलो फटाफट डाल दो इसमें. अभी अभी तो वैसे पानी निकला नहीं है बट चलो ओके कोई नहीं. सो मुझे दोपहर का खाने का फीडबैक कुछ अच्छा नहीं मिला. अभी कुछ देना चाहते हो तो मुझे फीडबैक दोपहर के खाने का फिर से, क्योंकि वाज लाइक बाद में इसको अच्छा लगने लग गया था. किसको? तुम्हें खाना दोपहर का. किसने बोला ऐसे? अच्छा मतलब तुम्हें मैक्रोनी अच्छी नहीं लगी? मैक्रोनी अच्छी थी. मैक्रोनी अच्छी थी. मैक्रोनी अच्छी थी, बाकी वो अच्छा नहीं था. बाकी क्या? बाकी क्या? टट्टी था. ठीक ठाक था. सब्जी ओवरलोडेड सारे वेजेस, मतलब जितने वेजेस होते हैं मतलब अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं. बट हाँ मतलब प्याज टमाटर और जो बेसिक वेजी होते हैं और मटर. बाकी गोविंद रिव्यू देगा बाइट लेके. बाइट लेके? बाइट लेके. अच्छा बाइट लेके. आगे आ जाओ तुम. इज गोइंग टू टेक द बाइट. मेरे को तो ऐसा लगता है आजकल मेरे रिव्यू होने लग गए हैं खाने के. मेरे को लग रहा है मेरे को शेफ बनाना चाहिए. गोविंद है ना. राम कितना सोच रहा है ये बंदा. हाँ यू आर टेकिंग टेस्ट. डेढ़ दिन के बाद कुछ खाऊं आज? अल्लाह तुम्हें इतना अच्छा लगा ये. कसम से तेरे ही कह रहा हूँ भाई, बहुत अच्छा है ये, बहुत. और तुम्हें पता है जयपुर में लोग मेरे पनीर भुर्जी के पागल हैं. आई डोंट मतलब मैं वहाँ रुक नहीं पाती. लिटरली कह रहा हूँ, मजाक की बात नहीं है. इट्स नॉट कि तू खड़ी कैमरे करके बोल रहा था, कुछ नहीं. लिटरली कह रहा हूँ, डेढ़ दिन के बाद आज कुछ खाया मैं अच्छा था. शुक्रिया बहुत बहुत आपका. लास्ट चीज थी आज की सबसे इम्पोर्टेंट. पहले तो यहाँ पे क्या क्या पड़ता है मुझे पता है, वो बताना रहता है. आई इंक्लूड इन टुमारोज व्लॉग. बट अगर आप इस जगह को बुक कराना चाहते हैं, आपको ये जगह अच्छी लगी है, सुंदर लगी है, सो आप क्या कर सकते हो? पहले तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो कैसी लगी है. ठीक है. एंड आई नो आज का व्लॉग बहुत छोटा है बट कल का व्लॉग बहुत फैंटास्टिक होने वाला है. तुम नॉट कम टेलिंग यू देयर वाज अ सरप्राइज बट मैंने बता दिया तुम नॉट चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ से कम 2 घंटा है. सो लेट्स गो फर्दर कि ये जगह जो है वो आपको पड़ेगी 2000 पर डे में, और इसके स्टे के साथ और विद व्यू के साथ और खाना एक टाइम का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट के साथ. सो इफ़ यू वॉन्ट टू बुक यू कैन कनेक्ट. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी. सो मैं आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच फॉर बींग हेयर. थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. इट मीन्स टू मी अ लॉट. एंड मिलते हैं कल के व्लॉग में, जो कि बहुत अमेजिंग होने वाला है.